بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں محمد عبداللہ شاہد. آج ہم لوگ فرسٹ ایئر کیمسٹری چیپٹر نمبر 3 جو کہ ہے گیسز کے بارے میں، اس کے اندر پریشر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. تو اس میں بہت زیادہ سارا ہم لوگوں نے پریشر کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا، تھوڑا سا پریشر کے بارے میں سٹارٹ میں ہے، پھر آگے ہم لوگ ڈالتا جناب پارشل پریشر اور جو بھی ہمارے سلیبس میں ہوگا وہ ان شاء اللہ ڈسکس کریں. تو پریشر، اس میں ہم لوگ اس کے پریشر کے یونٹس کچھ دیے گئے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि वो ताकत, वो कुव्वत जो कि लगाई जाती है किसी मखसूस एरिया के ऊपर, किसी मखसूस जगह के ऊपर, उसको हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं. अभी सारी सारी चीजें बेटा हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर गैसेस का, इसमें जितनी भी चीजें हम लोगों ने जो यूनिट्स वगैरह लेने हैं वो भी सारे सारे गैसेस के ही लेने हैं. तो जो गैसेस के बारे में हम लोग यूनिट्स वगैरह लेंगे, ये लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जस्ट एंड ओनली एप्लीकेबल होंगे कहां पे? गैसेस के अंदर ही एप्लीकेबल. हम लोग इसी गैसेस के हवाले से देखते हैं. एक ले लेते हैं सिलेंडर, उस सिलेंडर में गैस फिल कर ली, कोई भी गैस ले सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ी थी, वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती. उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है. उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गैसेज में रैंडम मोशन बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, ये कुछ चीजें हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी थी. अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से किया है तो हमारे लिए यहाँ पर भी ऐसा निशाना होगा. तो यहां पर वही चीज है, गैस के पार्टिकल्स ना क्यों रैंडमली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से फासले पे बहुत ज्यादा दूर दूर मौजूद. लेट्स सपोज हम लोग ये बोले कि पार्टिकल्स में, हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीबे अंदाज में हरकत करते हैं. इसकी मिसाल हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग ना एक कमरे में भाग रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं या बाकी हैं, टीचर्स भी हैं, वो भाग रहे हैं एक कमरे में. जब एक कमरे में बेटा वो भाग रहे हैं तो भागते दौरान में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपस में टकराए. अगर उनकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी तो वो दीवारों के साथ भी टकराएंगे, वो आपस में भी टकराएंगे. यहां पर चीज क्या है, स्पीड मेन जो चीज है ना वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड, कोलिजन के ऊपर. टकराव जो होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर. और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन किसके ऊपर होगा? टेम्परेचर के ऊपर रिलेशन होगा. क्योंकि हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी ये चीज डिस्कस की थी, फर्स्ट ईयर में भी आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. अब चीज यहां पे क्या है, जैसे ही टेम्परेचर लो भी ले लेते हैं, पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर कम भी है उस दौरान में भी गैसेज के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. उस रैंडम मोशन के दौरान में ये पार्टिकल एक्सपोज इसके साथ टकरा है, ये पार्टिकल इसके साथ टकरा है, ये विद वॉल ऑफ कंटेनर टकरा है. इसी तरीके से ये पार्टिकल किसी के साथ टकरा है, डायरेक्टली जाके दीवार के साथ टकरा है. तो जब ये पार्टिकल जाके दीवार के साथ टकराया, दीवार के ऊपर इसने क्या लगाई? कंटेनर की दीवार, फोर्स लगाई. वो फोर्स कहां पर लगाई? किसी मखसूस एरिया, किसी मखसूस जगह के ऊपर लगाई. तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. इसी तरीके से ये पार्टिकल है, इसने भी क्या लगाई? फोर्स. कहां पर लगाई? सिलेंडर की दीवार के ऊपर. तो जिस मखसूस एरिया के ऊपर फोर्स लगाई, इसी वजह से इसको फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर का नाम देते. ठीक है, अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की ही बात करते हैं, प्रेशर की, तो इक्वेशन क्या है? प्रेशर की इक्वेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो चीजें क्या है? पहली चीज है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. फोर्स प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर फोर्स बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम होती जाएगी तो प्रेशर जो होगा वो कम होता है. ये चीज कैसे है? फोर्स कैसे बढ़ेगी? फोर्स बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फोर्स कौन सी होगी? फोर्स वो होगी जो इन पार्टिकल्स के दीवार के ऊपर टकराने की वजह से लगेगी, वो फोर्स होगी. फोर्स क्या होगी? जो गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद फोर्स टकराएंगे तो वो टकराकर जो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फोर्स का नाम.
तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कनेक्ट करेंसी बढ़ेगी, हम लोग तेजी से भागना शुरू कर अंदर भागेंगे तेजी से, आपस में भी टकराएंगे, दीवारों के साथ भी टकराएंगे, कमरे की दीवारें हैं उनके साथ भी टकराएंगे। तो सेम इनके अंदर भी होता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाया कूलिंग, उनकी टकराव की एबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी रैंडम मोशन बढ़ने की वजह से वो ज्यादा टकराएंगे। तो जब वो ज्यादा दीवार के साथ टकराएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज, अब हम लोग दूसरी एग्जाम्पल ये करते हैं। एक ये रूम है, इसमें 5 लोग भाग रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स भाग रहे हैं इधर उधर, वो जाकर दीवार के साथ टकराते हैं, तो जब दीवार के साथ टकराएंगे उनकी कोलिजन कम हो, एज कंपेयर टू दैट वहीं पे हम लोग 10 स्टूडेंट्स कर दिए, 10 कर दिए, तो जब 10 स्टूडेंट करेंगे वो दीवार के साथ टकराएंगे तो ज्यादा टकराएंगे, जब ज्यादा टकराएंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी तो प्रेशर भी ज्यादा। इसी तरीके से अगर 10 के बजाय हम लोगों ने कर दिए 20, तो क्या होगा? मजीद बढ़ जाए। तो क्या किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज की, और हम लोगों ने पिछले चैप्टर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अगर 1 मोल होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 से कम कर देंगे पार्टिकल्स कम, 1 से बढ़ा देंगे पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जो दूसरी चीज इसमें देखेंगे वो होगी नंबर ऑफ मोल्स जो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, या पार्टिकल्स बढ़ेंगे उसके बढ़ने की वजह से वो कोलिजन भी ज्यादा। तो ये दो चीजें हम लोगों ने फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेट कर दी। इसके बाद एरिया के साथ देखते हैं, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ाना है तो एरिया हमें कम करना पड़ेगा, अगर प्रेशर कम करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम लोग ये करते हैं, 5 स्टूडेंट है, एक 10 फीट के कमरे, 10 फीट का कमरा है, 10 फीट का, उसके अंदर भाग रहे हैं, वो दीवार के साथ कराएंगे ज्यादा एज कंपेयर टू दैट, वहीं पे हम लोग उनको ना एक ओपन एरिया दे देते हैं जिसमें 20 फीट का रूम है, 20 फीट का रूम है, तो 20 फीट वाले रूम में वही 5 स्टूडेंट्स भागेंगे, दीवार के साथ टकराव के चांसेस कम क्योंकि एरिया बढ़ गया है, तो जब एरिया बढ़ गया दीवार के साथ टकराव के चांसेस कम हो गए। इसी तरीके से हम लोग ये करें उनको रूम मजीद बड़ा करें, 30 फीट का रूम दे दें, मजीद उनके लिए एरिया बढ़ गया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आपस में टकराएंगे भी कम दीवारों के साथ भी कम करें, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ गए जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम है, ओरिजिनल सेम, हर चीज सेम रखी, सिर्फ एरिया को बढ़ाया। जब एरिया बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है एरिया वॉल्यूम के साथ डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है गैसेस को जितना वॉल्यूम दोगे जितनी जगह दोगे वो सारे के सारे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बॉडी स्प्रे है, 10 फीट के कमरे में छिड़को सारे कमरे में फैल जाएगा, 20 फीट के कमरे में फैंको उसमें फैल जाएगा, 30 फीट के कमरे में फैंको उसमें फैल जाएगा। तो मतलब क्या है? गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने की वजह से जो भी जगह लोगे सारे के सारे जगह वो ऑक्यूपाई कर लेते। तो यहां पर भी वही चीज आती है बेटा कि हम लोगों ने क्या किया, एरिया बढ़ाया, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम लोग यहां पे एरिया को भी लिख सकते हैं, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या दूसरे नंबर पर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, आगे गैस लॉज भी आएंगे उसमें भी ये चीजें डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है यूनिट्स, कि हम लोग कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कि प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले है एटमोस्फेयर, जो कि कॉमनली केमिस्ट ज्यादा यूज करते हैं, इसमें क्या आएगा, एटमोस्फेयर प्रेशर डिप्रेशर दबाव ऑफ एयर हवा का दैट कैन सपोर्ट, जो कि सपोर्ट कर सकता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी लेवल, यानी कि सतह समंदर के ऊपर जाके
जब टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हवा का जो दबाव 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बर्दाश्त कर सके उसको हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर या एटमोस्फेयर का नाम देते हैं। तो एटमोस्फेयर बेसिकली होता है हमारी सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है ना वो एटमोस्फेयर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरी डेफिनेशन, ये तो हमारी थी फर्स्ट डेफिनेशन एटमोस्फेयर की। दूसरी डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, द फोर्स एग्जर्टेड, एग्जर्ट मतलब लगाना, लगाई जाती है बाई की जानब से, यानी कि लगाता कौन है, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम कहां पर, एक एरिया जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा सी लेवल के ऊपर जाके और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सतह समंदर हो और जो प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी का 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के ऊपर लगा रहा होगा उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं एटमोस्फेयर या एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तो एटमोस्फेयर का यूनिट था, इसको हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीएम की फॉर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है वो बेटा आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना इसको हम लोग एसआई यूनिट का नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का नाम देते हैं। अब ये जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ प्रेशर का, वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके अंदर जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन, एरिया का न्यूटन मीटर होता है सॉरी, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अब ये क्यूब है एक, इसमें से इस मीटर क्यूब कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब वैल्यूज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर तो उसकी चेंज हो जाती है, ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है या एसआई यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसी एसआई यूनिट को हम लोग अगर देखते हैं 1 एटीएम एक एटमोस्फेयर हो तो वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक एटीएम के बराबर होता है, यानी कि एटीएम बड़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है छोटा यूनिट। इसी तरीके से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है, यह पास्कल भी प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। तो इसी हिसाब से अगर देखते हैं तो 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज वेल एज 325 पास्कल्स। यानी कि अगर 1 एटीएम 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल था तो इतने ही पास्कल से। अब अगर इसी पास्कल को हम लोग किलो पास्कल में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलो 1000 के इक्वल होता है, 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे 101.325 पास्कल सॉरी किलो पास्कल, ये बेटा हमारा आ जाएगा एसआई यूनिट। अगर वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले एसआई यूनिट क्या है तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो हमारा बेटा आता है टॉर्क। टॉर्क जो होता है ये नॉर्मली साइंटिस्ट अपने जो लैब वर्क वगैरह होता है ना उस साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग टॉर्क बोलते हैं कि साइंटिफिक वर्क के दौरान में इस्तेमाल होता है। और फिर अब इसमें भी कन्वर्जन देखते हैं तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर्क्स, 1 एटीएम 760 टॉर्क्स के इक्वल होता है और 1 टॉर्क इक्वल टू
वन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 1 mm ऑफ एच जी के भी इक्वल। इसी हिसाब से 1 ATM विल बी इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के भी। नेक्स्ट है वो बेटा आता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। अब ये जो पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस है ना, इसको हम लोग पी शॉर्ट फॉर्म में पी एस आई का भी नाम देते हैं, पी एस आई साई। ये कॉमनली हम लोग जो गैसेस फिल करवाते हैं ना अपनी गाड़ियों के टायर्स वगैरह, वो होते हैं ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। यानी कि हम लोग गाड़ी के टायर में बोलते हैं कि 30 रखते हैं, 32 रख दें, 28 रख दें, 25 रख दें। बाइक्स में इसी तरीके से बोलते हैं 45 रख दें, 50 रख दें, 60 रख दें। तो बेटा क्या कौन सा यूनिट होता है, वो पीएसआई यूनिट होता है। और इसी पीएसआई यूनिट को इंजीनियर्स अपने इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो अपने इंजीनियरिंग वर्क में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंजीनियरिंग यूनिट का भी नाम देते हैं। तो अब यही जो पीएसआई होता है ये देखते हैं, तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 14.7 PSI, यानी कि 1 ATM 14.7 PSI के इक्वल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मिली बार। दो चीजें हैं इसमें, एक होता है बार और एक है मिली बार। इसमें चीज जो करने वाली है बार, बाहर बेसिकली बेटा हम लोग बोलते हैं प्रेशर को, प्रेशर यानी कि जो दबाव लगता है ना, जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको हम लोग बार बोलते हैं। मिली छोटा है, बार थोड़ा सा बड़ा यूनिट। अब ये जो बार है दो यूनिट से इस्तेमाल होते हैं, बार या फिर मिली बार। ये बार और मिली बार जो होते हैं ना वो मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट मतलब महकमा मौसमियात वाले, जो मौसम का हाल बताते हैं ना कि आज आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, तो उसके बारे में जो बताते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिली बार इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं महकमाए मौसमियात, महकमाए मौसमियात वाले जो होते हैं ना वो बेटा मिली बार या बार को इस्तेमाल। बार बड़ा यूनिट है, इसी वजह से हम लोग अगर कन्वर्शन देखते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 1.325 बार्स के इक्वल। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 ATM इज इक्वल टू 1 bar भी लिखते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं तो होती है 1.01325 bar। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 bar को देखते हैं तो 1 bar जो है ना वो इक्वल होता है, थाउजेंड्स जो होते हैं ना वो मिली बार के इक्वल आ जाता होता है। तो उसी थाउजेंड्स मिली बार के इक्वल आने की बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग 1 ATM तो मिली बार में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा 1.01325 मिली बार। तो 1 ATM जो है वो 1.01325 मिली बार के इक्वल, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बाकी जितने भी इसके सारे के सारे यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं 760 टॉर्स इज इक्वल टू 101325 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल। इसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं 14.7 पीएसआई इक्वल होता है 1.01325 पास्कल। लेकिन हम लोग, मैं चलो समझाने के लिए आप लोगों को यहां पे लिख भी देता हूं, एटीएम सबसे बड़ा यूनिट है, 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM इक्वल होता है किसके, ये उससे छोटा है थोड़ा सा, 1.01325 बार्स के इक्वल होता है। अब ये जो है वो बेटा आगे इक्वल होता है, इससे बड़ा छोटा यूनिट कौन सा है, पीएसआई वाला 14.7 पीएसआई है। फिर इससे छोटा यूनिट टॉर्स है,
जो कि इक्वल होता है 760 टॉर्स या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, जो के इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यानी कि ये सारे के सारे यूनिट्स एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है, इनके वैल्यूज हमें याद हो तो हम लोग इनको एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। फिर इसके बाद बेटा वो हमें पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो प्रेशर क्या है, उसके अलावा कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर असरदार होते हैं वो, फिर इसके यूनिट्स पूछता है कि नॉर्मली हम लोग कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एटीएम होता है। फिर इसके बाद वो हमें पूछेगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा होता है, एमसीक्यूज में भी शॉर्ट में भी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल्स भी होता है लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा यूज किया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। फिर वो पूछेगा साइंटिस्ट जो है वो अपने लैब वर्क में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा होता है टॉर्स। इसके बाद वो पूछ सकता है हमें कि जो इंजीनियर्स हैं वो अपने वर्क में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग जो टायर में बाइक के या गाड़ी के टायर में जो हम लोग एयर फिलिंग करवाते हैं हवा फिल करते हैं तो कौन से यूनिट में इस्तेमाल की जाती है, वो PSI होता है, वो भी हमें पता है। फिर इसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात वाले कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मिली बार या बार से, ठीक है। इस सारे के सारे जो प्रेशर है ना इसके यूनिट्स आप लोगों को अच्छे अंदाज में आना चाहिए, क्योंकि बेटा हम लोगों ने इनको आगे MCQs के अंदर भी करना है, हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनमें भी करना है, एग्जांपल्स में भी, इसलिए ये हमें अच्छे अंदाज में आना चाहिए। इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह।